कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट हलके में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के लिए रोड शो किया और राय दहिंदों से सैयद इम्तियाज जलील को ही वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात की मुहिम इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गई है। मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतवार को औरंगाबाद ईस्ट हलके के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में आजाद चौक पर एक रोड शो किया और कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। कायदे मुखनाना ने औरंगाबाद ईस्ट के राय दहिंदों से पुरजोर अपील की है कि वो 20 नवंबर को अपने घरों से निकलकर सैयद इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। रोड शो के दौरान कायदे मुखनाना अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील व दीगर का अवामुन्नास की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।